जन सरकार राजस्थान की लाइफ श्रृंखला के अंतर्गत कविता पाठ और कविताओं को बातचीत करने के लिए मैं भिलाई दूर छत्तीसगढ़ से आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम जिस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है, मैं अपनी कविता और मेरा लेखन इस पर मैं अपनी बात कर सकूँगा। कविता पाठ करने के पहले मैं जन सरोकार मंच की सूत्रधार आयोजक देवेंद्र जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने तो विश्वास व्यक्त किया और इस आपों के बीच अपने विचार और कविता पाठ करने का हमें अवसर प्रदान किया है। साहित्य के विभिन्न विधाओं में कविता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विश्व के प्रथम कवि के मुख से सबसे पहले छंद ही निकला था और साहित्य की कविता की सबसे प्राचीन थी। मैं साहित्य का विद्यार्थी था, बचपन से ही मैंने निर्णय लिया कि बड़े होकर साहित्य के क्षेत्र में काम करूँगा। महाकवि निराला अंधा छोड़कर मेरे आदर्श है और कविता आत्मसंघर्ष की कहानी होगी। कवि अपने अनुभवों को अपनी संवेदनाओं को अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। सबसे पहले मेरी पहली कविता जब मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था उस समय कॉलेज की स्कूल विद्यालय की पत्रिका में मेरी कविता प्रकाशित हुई थी। इसका शीर्षक था भारत का सैनिक। मैं मानता हूँ कविता मानवीय संवेदना सामाजिक विसंगतियों को अव्यक्त करती है। सबसे पहले मेरी कविता 1997 बहुत पहले जनवादी लेखक संघ की काव्य पुस्तक में प्रकाशित हुई थी। काव्य पुस्तक के रूप में पुस्तक उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, सूरज नहीं बन सकता, सूरज नहीं बन सकता अदना सा जुगनू, सूरज नहीं बन सकता अदना सा जुगनू, लेकिन उसे चमकने से कोई रोक नहीं सकता। सूरज नहीं बन सकता अदना सा जुगनू, लेकिन उसे चमकने से कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद मेरी मुखौटे वाले चेहरे रायपुर प्रकाशन से मेरे एक संग्रह प्रकाशित हुए, कविता संग्रह मुखौटे वाले चेहरे। इसमें मेरी तमाम कविताएं इसमें संग्रहित हैं। मैं इसमें से कुछ कविताओं को पाठ करना चाहूँगा। पहली कविता है पावरा। सूरज की रोशनी में
हाथ मिलाते हुए, सूरज की रोशनी में हाथ मिलाते हुए पागल आदमी खोज रहा था। पागल आदमी खोज रहा था आदमी के भीतर थोड़ी सी शेष बची हुई मानव। पागल आदमी खोज रहा था आदमी के भीतर थोड़ी सी ही शेष बची मानवता को। वह चहलकदमी कर रहा था, वह चहलकदमी कर रहा था सड़कों पर। लोगों ने बंद कर दिए अपने मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ, लोगों ने बंद कर दिए अपने मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ, लेकिन वो पागल आदमी अपनी दुस्साहसी अभियान में सफल नहीं हो सका। लेकिन वह पागल आदमी अपने दुस्साहसी अभियान में सफल नहीं हो सका, पराजित योद्धा की तरह वीरगति को प्राप्त हुआ। मानवता की तोड़ करते करते वह पागल आदमी जो मर गया, उसकी मृत्यु के पूर्व उसके मुख से जो विवल वाणी निकली थी, उसकी तरंगे गूंज रही वायुमंडल में, नदियों की धाराएं बादलों के गर्जन तर्जन में, उसकी अतृप्त आत्मा उस दुनिया के तमाम लोगों से अपने प्रश्नों का जवाब चाहती है। उसकी अतृप्त आत्मा उस दुनिया के तमाम लोगों से अपने प्रश्नों का जवाब चाहती है। इसीलिए श्रृंखला में एक और मेरी महत्वपूर्ण कविता जो गोष्ठियों में काफ़ी लोकप्रिय हुई, मैं आपके सामने इस कविता को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बहुत कठिन होता है सफेद बगलों की मन की बात को समझना। उनके श्वेत पंखों में कितना कालापन होता है इसका अंदाज नहीं लगा पाते मछलियाँ। आजकल प्राय जिनकी चर्चाएं हुआ करती हैं पांडे से लेकर काफी हाउस तक, वे लोग बगुले अंदाज में कितने महान लगते हैं, वे लोग बगुले अंदाज में कितने महान लगते हैं। क्या बदल गए आजकल महानता के मापदंड की मांग, क्या बदल गए आजकल महानता के मापदंड। मेरी कविताएँ निरंतर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। मेरी कविताएँ, मेरा चिंतन, मेरी नज़रिया समाज के विसंगतियों को और समाज के दर्द को, समाज के यथार्थ को कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त करने की मेरी कोशिश रही है। इस संग्रह की एक और महत्वपूर्ण कविता आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे हाथी कुचल दिया करता फूल को, जैसे हाथी कुचल दिया करता फूल को, वे लोग भी हाथी की तरह कुचल दिया करते जनतंत्र को, वे लोग भी हाथी की तरह कुचल दिया करते जनतंत्र को अपने दबंग पैरों से। उनके सामने व्यवस्था बेहद बौनी हो जाए, उनके सामने व्यवस्था बेहद बौनी हो जाया करती, घुटने टेक लिया। प्रेमचंद का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास उदान का एक पात्र पूरी भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करता है। और वास्तव में प्रेमचंद की और आज के हमारे किसानों की कमोबेश स्थिति और सुधरे नहीं है, इसी चिंता को लेकर के मैंने ये कविता लिखी है जो आप उनके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। होरी मरा नहीं, होरी मरा नहीं, नंगे पैरों से धरती को नापता।
नंगे पैरों से धरती को नापता, फड़फड़ाता पिंजरे की पक्षी सा, भटकता मरुस्थल की मृग सा, उसके अधपके बाल, उसके अधपके बाल वक्र रेखा वाले चेहरे, वक्र रेखा वाले चेहरे, वह कतई मुक्त नहीं हो पाया है साहूकार के दास। लड़की की विवाह की चिंता से फटे हाल जिंदगी से, उसकी पत्नी स्वप्न में भी नहीं देख सकती, नहीं देखा करती कंचन कंचन और आभूषणों को, बनारसी साड़ियों को। वह मैली सी साड़ी पहनकर आंचल से पसीना पोंछती दिख जाती, मिट्टी भरे हाथों से पौधों को पानी पिलाती। होरी का लड़का शहर गया है, होरी का लड़का शहर गया है उच्च शिक्षा प्राप्त करने, नहीं रिक्शा चलाने। होरी का लड़का शहर गया है उच्च शिक्षा प्राप्त करने, नहीं रिक्शा चलाने। अनाज से भरा ठेले खींचने, ट्रकों से सामान चढ़ाने उतारने, होटल में बर्तन धोने। सच कहता हूँ होरी मरा नहीं, वो आज भी जिंदा है, क्योंकि प्रेमचंद की होरी को अभी भी देखा है मैंने अपने गांव में। इसी श्रृंखला में एक मेरी महत्वपूर्ण कविता वो कालाहांडी उड़ीसा का एक जिला है, जहाँ की गरीबी और भुखमरी के बारे में आए हुए चर्चा होती है। बहुत पहले समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि एक आदिवासी महिला है अपने बच्चे को बेच देती है, नवजात बच्चे को बेच देती है। ये पता चलता है, कुछ पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा बच्चे को क्यों बेचा, तो उसका प्रश्न ये जवाब ये रहता है कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास बच्चे को बेचने से कुछ रुपये मिलेंगे तो कुछ दिन तक हम अपने लिए चावल खरीद सकते हैं, खा सकते हैं। इन्हीं विडम्बनाओं को लेकर, इन्हीं रास्ते को लेकर मैंने एक कविता लिखी है जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ओ कालाहांडी तुम कहाँ हो, सुना है तबोध बच्चे नहीं जान पाते, नहीं देख पाते स्कूल की इमारतें। सुना है तबोध बच्चे नहीं जान पाते, नहीं देख पाते स्कूल की इमारतें, इसलिए पेंसिल कापी किताब खिलौने के बारे में। लेकिन अबोध बच्चों के माँ बाप जानते हैं इनका भविष्य, लेकिन अबोध बच्चों के माँ बाप जानते हैं इनका भविष्य। कोई कोई अभागी जवान लड़कियों को अवसर नहीं मिलते, कोई कोई अभागी जवान लड़कियों को अवसर नहीं मिलते सौभाग्यवती होने का, अपना घर बसाने का। वो नहीं जान पाती अपना भविष्य, वे नहीं जान पाती अपना भविष्य। सौदा होता उनके जिस्म का सजाई जाती बलि की बकरी की तरह। शायद उनके माँ बाप कुछ दिन जीने के लिए, भूख मिटाने के लिए, शायद उनके माँ बाप कुछ दिन जीने के लिए, भूख मिटाने के लिए अबोध बच्चों को, जवान लड़कियों को बेच दिया करते गाय भैंस बकरी की तरह कालाहांडी की जंगलों में। प्यासी धरती, बंजर धरती, परिवर्तन के इस दौर में भी मूर्तिवत खड़ी सिसक रही। कागजी योजनाओं को सफेद हाथी चढ़ जाती, नए मुरझाए कपोरों पर उभरी वक्र रेखाएं
भूख की वेदना से जहर युक्त पत्ते खाकर। सच्चाई है ऐसी घटना हो चुकी है, भूख की वेदना से जहर युक्त पत्ते खाकर दम तोड़ देते हैं कालाहांडी के जंगलों में रहने वाले। इन जंगलों में रहने वाले लोग गांव में रहने वाले लोग पलायन करते हैं और पलायन का एक दृश्य देखिए, पलायन करने के बाद गांव की स्थिति क्या होती है, चित्रात्मक कविता आपको सामने रखा। छोड़ गए झोपड़ों के आसपास टूटी खटिया, छोड़ गए झोपड़ों के आसपास टूटी खटिया, औंधे पड़े मिट्टी के बर्तन, बिखरी पड़ी चूल्हों की राह, बिखरी पड़ी चूल्हों की राह, रह कर उठ रहे हवा की झोंकों से, झोपड़ों के आसपास रात के सन्नाटे में गूंज रही झुमरों की आवाज, पलायन की लोगों के झोपड़ों के आसपास, कभी कभार भयाक्रांत क्रोध का संपूर्ण वातावरण खौफनाक आवाज से, जंगली जानवरों के खौफनाक आवाज से भय से सिहर उठता पूरा का पूरा काला है, जब कभी कालाहांडी सब, मेरे कानों से टकराता सिहर जाता मेरा कान, खिंच जाते मेरे हृदय में कालाहांडी के जंजीरों से, उभरते चित्र। मैं संगीत की बहुत ही महत्वपूर्ण कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये 1993-94 की घटना है। समाचार पत्र में एक चित्र प्रकाशित हुआ है जिसमें दिखाया गया था कि सूडान ये भीषण कातर में एक महिला एक और अपने बच्चे को कंधे पर लेकर घूम रही थी और बिल्कुल बच्चा था, कंका जैसा दिख रहा था भूख से। तो इसी दृश्य को मैंने जब उस समाचार पत्र के चित्र में देखा तो मेरी भावनाएं, मेरी संवेदना उसे देखकर स्फुटित हुई और मैं उस पर एक कविता लिखी उस बच्चे की देखकर, तो केवल हाड़ मांस का पत्ता दिख रहा था, केवल उसके शरीर में हड्डियां ही दिख रही थी और एक बहुत ही दिशात्मक कविता आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक माँ सोना से लेते नरकंकाल बेटे को, कंधों पर बैठा कर सड़क में, इसी तरह के कई तस्वीरों की सूडान के सफर, सड़कों पर उस बच्चे की धसते में नहीं देखना चाहते भूमंडल, को आकाश को, उसकी कपोल रेखांकित करने लगे हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर।
जीव अकुलाई, सुख गई पेट की तड़िया, सुख गई पेट की तड़िया रोटी की। उसके दांत काट रहे थे, उसके दांत काट रहे थे होंठ और जीभ को रोटी समझकर, उसके दांत काट रहे थे होंठ और जीभ को रोटी समझकर वह नरहंकार बच्चा सांस लेता, वह नरहंकार बच्चा सांस लेता अपनी मां के कंधों पर बैठा थूक देना चाहता है जमाने को। वह नरहंकार बच्चा सांस लेता अपने मां के कंधों पर बैठा थूक देना चाहता है जमाने को। वह सभी रिश्तों को तोड़कर, वह सभी रिश्तों को तोड़कर मुक्त हो जाना चाहता है इस बेरहम दुनिया से, इस बेरहम दुनिया से। दूसरा दृश्य है, सूडान और सोमालिया की सड़कों से लेकर, सूडान और सोमालिया की सड़कों से लेकर कालाहांडी से लेकर बस्तर के जंगलों तक भूख से तड़पते बच्चों की, औरतों की, बुजुर्गों की गुस्से रहती मौत की आखिरी छटका, मौत की आखिरी छटका। तीसरा दृश्य, भूख से तन की परित्याग करती आत्माएं उड़कर बैठ जाती फलदार पेड़ पर, भूख से तन की परित्याग करती आत्माएं उड़कर बैठ जाया करती फलदार पेड़ों पर, अनाज की गोदामों में, होटलों में इस बेरहम दुनिया को बद्दुआ देते हुए, इस बेरहम दुनिया को बद्दुआ देते हुए। मैं कविता लिखने बैठता हूँ, जब मैं कभी कविता लिखने बैठता हूँ तो किस तरह के दृश्य मेरे मन में, मेरी संवेदना में, मेरी भावनाओं में रेखांकित हो जाते हैं और मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं और मैं कविता क्यों लिखता हूँ, इन सारे प्रश्नों का जवाब मेरी इस कविता में मिल जाएगा। मेरी कविता का, इस कविता का शीर्षक है, जब कभी लिखने बैठता कविताएं। मैं जब कभी लिखने बैठता कविताएं, गोते लगाता संवेदना के अथाह सागर में। मैं जब कभी लिखने बैठता कविताएं, गोते लगाता संवेदना के अथाह सागर में, तब न जाने क्यों मुझे निरंतर सुनाई पड़ती, तब न जाने क्यों मुझे निरंतर सुनाई पड़ती दुनिया भर में हो रहे तमाम शोषित और दलित जनता की चिंता। जब कभी मैं लिखने बैठता कविताएं, गोते लगाता संवेदना के अथाह सागर में, तब न जाने क्यों मुझे निरंतर सुनाई पड़ती दुनिया भर में हो रहे तमाम शोषित और दलित जनता की चिंता, शोषित और दलित जनता की चिंता। भूख से बेचैन बच्चों की सतियां, विधवाओं के टूटते चूड़ियों की खनखनाहट, विधवाओं के टूटते चूड़ियों की खनखनाहट सिनेमा की तरह चित्र भरता, सिनेमा की तरह चित्र भरता हिंसा में मारे गए निरीह जनता का। फुटपाथ पर दम तोड़ते भिखारी का मई जून की तरह बढ़ते तापमान की तरह बढ़ती महंगाई का
दो, दुनिया भर में हो रही तमाम अमानवीय घटनाओं के चक्र में, दुनिया भर में हो रहे तमाम अमानवीय घटनाओं के चक्र में अपने आप को जकड़ा पाता हूँ, इसलिए मैं बेघर होकर कोरे कागज पर शब्दों के सहारे अंकित कर देना चाहता हूँ कविता के रूप में मानव की पीड़ा को। इसलिए मैं लड़ना चाहता हूँ अंतिम क्षण तक अमानवीयता के विरुद्ध कविता को हथियार बनाकर। मेरी कविता कैसी होगी, मैं कैसे कविता लिखता हूँ या लिखूंगा, इसकी पृष्ठभूमि, इसकी भूमिका मेरी अगली कविता में है। इसका शीर्षक है मेरी कविता। मेरी कविता में देवलोक से नहीं उतरेगी कोई मेनका। मेरी कविता में देवलोक से नहीं उतरेगी कोई मेनका जो अपने अलौकिक सौंदर्य के चकाचौंध से परिणय निवेदन से आलिंगन पद कर पाएगी किसी भी स्वामित्व। मेरी कविता में इंद्रासन से स्वर्गलोक से नहीं उतरेगी अभिशाप करने संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुपम सौंदर्य लिए रति और काम। मेरी कविता में भारतनाट्यम की नृत्य शैली में अंगों को थिकाती, पायल को बजाती, बिस्मिल्लाह खान की सहनाई के स्वर जैसी वाणी वाली कोई अनुपम सुंदरी। मेरी कविता कैसी हो, देखिए कैसा लिखना चाहता हूँ। मेरी कविता में कोई आसमान से नहीं उतरेगी यथार्थ की दुनिया से होगी कोई अभाव। मेरी कविता में कोई भी आसमान से नहीं उतरेगी यथार्थ की दुनिया की होगी कोई अभागी उस पर हो रहे यातना के विरुद्ध मेरी कविता के शब्द लड़ते रहेंगे, विस्फोट करते रहेंगे। हम सबकी और जो घटनाएं हो रही हैं, जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, उसे ये बात बिल्कुल साफ स्पष्ट होती जा रही है कि हमारी विरासत, हमारी संस्कृति खतरे में है। हम अपने आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को क्या दे रहे हैं, किस तरह का वातावरण बना हुआ है। मेरा ये मानना है, मेरा विश्वास है कि जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, उचित नहीं हो रहा है। और विरासत को लेकर कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है विरासत। विरासत के रूप में हमें मिली हुई थी बहुत सी पुस्तकें और मूर्तियां।
इन्हें हम लोगों ने अनुपयोगी समझकर, इन्हें हम लोगों ने अनुपयोगी समझकर असुरक्षित रख दिया अजायब घर में। पुस्तकों को दीमक चाट रहे हैं, मूर्तियां टूटती बिखरती जा रही, सचमुच हमारी विरासत का अस्तित्व खतरे से दूर गई, खतरे से दूर। दूसरा है, हम लोग एक दिन छोड़ जाएंगे, हम लोग एक दिन छोड़ जाएंगे विरासत के रूप में अपने ही विरासत का अवशेष, हम लोग एक दिन छोड़ जाएंगे विरासत के रूप में अपने विरासत का अवशेष, अपने मासूम और अबोध बच्चों के लिए, अपने मासूम और अबोध बच्चों के लिए। बंधक हो रहे हमारे स्वाभिमान, बंधक हो रहे हमारे स्वाभिमान, क्योंकि हम लोगों ने सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया है अपनी विरासत की समाप्ति की घोषणा, अपने विरासत की समाप्ति की घोषणा। निश्चित रूप से हमारी विरासत खतरे में, और उसे भी हमें बनाए रखना है, एक चिंता का विषय है। दुनिया का इतिहास यदि हम पढ़े, केवल युद्धों से भरा हुआ है। शासकों ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए युद्ध किए हैं, और युद्ध में क्या होता है, युद्ध की परिणति क्या होती है, हम सब जानते हैं। मेरा एक प्रश्न है जो मैं इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में हम जहाँ भी देखें वहाँ पर चारों तरफ हिंसा का वातावरण है, तो ये हमारे समाज का एक नंगापन है, हिंसा और नफरत से दुनिया भरी पड़ी है। इन्हीं चिंताओं को लेकर के एक मेरी महत्वपूर्ण कविता जो गोष्ठियों में मंचों पर भी लोगों ने बहुत पसंद किया, सराहा है, मैं आप लोगों के सामने इस कविता को प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है, कपास का पौधा। इस धरती के कोख से कब उपजा था कपास का पौधा, इस धरती के कोख से कब उपजा था कपास का पौधा, इसका सही जवाब वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक ही दे सकते हैं। इस धरती के कोख से कब उपजा था कपास का पौधा, इसका सही जवाब वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक ही दे सकते हैं। कपास के रुई से पहली बार मानव शरीर को ढकने के लिए कब निर्मित किए गए थे परिधान, कपास के रुई से पहली बार मानव शरीर को ढकने के लिए कब निर्मित किए गए थे परिधान, इसका सही जवाब तो इतिहासकार ही दे सकते हैं, लेकिन हमें आभारी होना चाहिए इस कपास के पौधे के प्रति, लेकिन हम सबको आभारी होना चाहिए इस कपास के पौधे के प्रति, जिसके रूई से बने परिधान कवच बनकर ढक लिया मानव शरीर को। लेकिन एक प्रश्न उभरता है इतिहास को याद करते हुए, इस प्रमाणिकता के साथ, जब से इस धरती पर मानव जाति की उत्पत्ति हुई, उस समय से लेकर आज तक वर्तमान युग तक
नंगे के नंगे क्यों है, मानव के हिंसात्मक कारनामे। नंगे के नंगे क्यों है, मानव के हिंसात्मक कारनामे। आखिर कब तक हम लोग ढक पाएंगे, प्रश्न आखिर कब तक हम लोग ढक पाएंगे अपने हिंसात्मक नंगेपन को। यह यक्ष प्रश्न पूछ रहा हूँ, यह यक्ष प्रश्न पूछ रहा हूँ इस दुनिया के तमाम लोगों से, इस दुनिया के तमाम लोगों से, इस संग्रह की एक अंतिम कविता में संग्रह की मुखौटे वाले छेड़े की ये अंतिम कविता में पाठ करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है ओ मेरे सब, लोकगीतों को याद करने, ओ मेरे साथ चले जाना उस खेत में, ओ मेरे साथ चले जाना उस खेत में जहाँ अन्नदाता किसान अनाज और सब्जी तो जाने के लगा। ओ मेरे साथ चले जाना उस खेत में जहाँ अन्नदाता किसान अनाज और सब्जी उपजाने में लगा हो, धरती के आंचल में हरियाली बिखेर रहा हो, धरती के आंचल में हरियाली बिखेर रहा हो, थकावट से आराम पाने के लिए कोई लोकगीत गा रहा हो, कोई लोकगीत गा रहा हो, किसान के गीतों के शब्दों में घुल मिल जाना, किसान के गीतों के शब्दों में घुल मिल जाना। दूसरा है ओ मेरे शब्द चले जाना उस गांव में जहाँ स्त्रियाँ तीज त्यौहार में शुभ विवाह के अवसर पर परंपरागत लोकगीत गा रही हों, उनके गीतों के शब्दों में घुल मिल जाना, उनके गीतों के शब्दों में घुल मिल जाना। तीसरा दृश्य ओ मेरे साथ चले जाना उस खेत में, ओ मेरे साथ चले जाना उस खेत में जहाँ सावन की घटाओं के बीच हिमझिम फुहारों के बीच श्रमिक स्त्रियाँ गीत गा रही हैं। ओ मेरे साथ चले जाना उस खेत में जहाँ सावन की घटाओं के बीच हिमझिम फुहारों के बीच श्रमिक स्त्रियाँ गीत गा रही हैं, थकान मिटा रही हैं, उनके गीतों के शब्दों में घुल मिल जाना, उनके गीतों के शब्दों में घुल मिल जाना। वो मेरे सब चले जाना उस गाँव में जहाँ इंद्रधनुष सदृश लोक कला की छटा बिखेर रही हो, जहाँ लोक नृत्य और तमाशे हो रहे हो, जहाँ जन जन में लोक कला का संचार हो रहा हो, उनके शब्दों में घुल मिल जाना, उनके शब्दों में घुल मिल जाना। अंतिम है दुनिया भर में जहाँ कहीं शोक गीत का गायन हो रहा है, दुनिया भर में जहाँ कहीं भी शोक गीत का गायन हो रहा हो, उन गीतों के शब्दों में घुल मिल जाना वो मेरी कविता के शब्द। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी शोक गीत का गायन हो रहा हो, उन शोक गीतों के गायन के शब्दों में घुल मिल जाना वो मेरी कविता के शब्द। निश्चित रूप से रचनाकार को संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी अनुभूति, बहुत सारे दृश्य, बहुत सारे घटनाएं जिसका हम लोग अवलोकन करते हैं, और कहीं ना कहीं उससे हम लोग जुड़ जाते हैं, हमारी संवेदना हमारी भावनाएं इतनी उसमें बहुत बाहर होती है कि हम निश्चित रूप से कुछ लिखकर उसे कविता में लिखकर भी
अपने आप को संतुष्ट हो पाते हैं। निश्चित रूप से पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर आराधकता का माहौल है और ये शुरू से हुआ है। आसान चारों तरफ अशांति फैली हुई है, नफरत फैली हुई है, दुनिया में शांति हो, भाईचारा हो, हरियाली हो, खुशियाँ हो, सभी चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने एक कोशिश की है और कोशिश करना और व्यक्त करना, अपनी बात को रखना हमारा अधिकार है, हम लिख सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने इसी बात को कविता के माध्यम से उठाया है। शीर्षक है प्रेस वार्ता। संयुक्त राष्ट्र का मंच हो अथवा दुनिया का कोई भी मंच, प्रेस वार्ता के माध्यम से उठाना चाहता हूँ। विभिन्न विषयों पर सैकड़ों सवाल। संयुक्त राष्ट्र का मंच हो अथवा दुनिया का कोई भी मंच, मैं प्रेस वार्तालाप के माध्यम से उठाना चाहता हूँ विविध विषयों पर सैकड़ों सवाल जो इस पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर है, विश्व शांति को लेकर है, मानवीय मूल्यों को लेकर है, सद्भावना को लेकर है। दुनिया भर में फैली अराजकता को लेकर है। इसलिए इस प्रेस वार्तालाप में उठाना चाहता हूं अति आवश्यक सवालों का अनुवाद। इसलिए कि दुनिया की सलामती के लिए, राजनेताओं से, नौकरशाहों से, वैज्ञानिकों से, किंतु इस प्रश्न के उत्तर में, सभी के सभी मौन हैं। जवाब किसी के पास नहीं है। यह शुभ संकेत नहीं हो सकता, इस दुनिया के लिए, इस दुनिया की सलामती के लिए, जो कुछ भी घटनाएं हो रही है पर्यावरण को लेकर, हो जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, तो हम सब जानते हैं इसे हम अति कांति होता है, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति में परिवर्तन करती रहती है। तो सब मिलाकर हम लोग महाप्रलय की ओर बढ़ रहे हैं। इन्हीं चिंताओं को लेकर ये कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है महाप्रलय की ओर। हमारे पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है विकास के उपरांत महाप्रलय हो जाने का, सृजन हो जाने का संभवतः हमारे कदम बढ़ते जा रहे हैं महाप्रलय की ओर। एक मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण कविता से बहुत सराहा गया है। मैं उसको जो भविष्य के भविष्य में जो भाव स्थिति भविष्य की है
और जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर ये कविता है। उस दिन सुलग रही है एक छोटी सी चिंगारी, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर कि सुलग रही है एक छोटी सी चिंगारी, एक दिन वह छोटी सी चिंगारी जल उठेगी पूरे दमखम के साथ। एक दिन वह छोटी सी चिंगारी जल उठेगी पूरे दमखम के साथ। उस दिन बहुत कठिन होगा, उस दिन बहुत कठिन होगा इस दुनिया को राख के ढेर में तब्दील होने से बचाना, इस दुनिया को राख के ढेर में तब्दील होने से बचाना। मेरा जो लेखन रहा है बहुत व्यापक रूप से और खुले मन से खुले दिमाग से मैंने अपनी बात रखी है, बिना हिचकिचाहट से निर्विवाद रूप से जो कुछ मैंने देखा है जो समझा है उसको मैंने कविता के माध्यम से रेखांकित करने की कोशिश की है। हम इतिहास को याद करें कि दुनिया का इतिहास, हमारा इतिहास क्या है, दुनिया का इतिहास क्या है और इतिहास में क्या है, इस इतिहास में किसका वर्णन क्या है, वो इतिहास में क्या होता है, इसी तथ्य को लेकर एक अभी रचना बिल्कुल ताजी रचना है, अभी अभी लिखी गई है, लॉकडाउन की स्थिति में लिखी गई है। मैंने इस पर चिंतन किया, लगा कि क्यों ना इतिहास का खंगाले, इतिहास को समझें, और फिर मैंने एक कविता लिखी। पहली बार इस कविता को मैं कविता का पाठ कर रहा हूँ। शीर्षक है इतिहास, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, ध्यान दीजिए बहुत बेबाक करता है। इतिहास के ताले केवल शासकों के जय पराजय उद्बोध उद्घोष करते रहे करते हैं। इतिहास के पन्ने केवल शासकों के जय पराजय का उद्घोष करते रहे, राजमहलों के वैभव विलासिता के गौरव गाथा का यशोगान करते रहे, राजमहलों के वैभव विलासिता के गौरव गाथा का यशोगान करते रहे। इतिहास में दर्ज है दुनिया भर के शासकों के अपने महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत, इतिहास में दर्ज है दुनिया भर के शासकों ने अपने महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत अति अहंकार से होकर एक शासक दूसरे शासक पर आक्रमण करते रहे, एक शासक दूसरे शासक पर आक्रमण करते रहे। इनके आपसी टकराव से हमेशा महायुद्ध होते रहे और इस महायुद्ध के पूर्णाहुति के रूप में, इस महायुद्ध के पूर्णाहुति के रूप में हजारों लाखों सैनिक वीर गति को प्राप्त होते रहे, हजारों लाखों सैनिक वीर गति को प्राप्त होते रहे, जो तब्दील होते रहे अधकटे सौ के रूप में, जो तब्दील होते रहे अधकटे सौ के रूप में, युद्ध भूमि में पड़े उनके सड़े गले सौ पर सौ के ढेर, गिद्ध सहित दूसरे जंगली जानवरों के आहार बन गए, गिद्ध सहित दूसरे जंगली जानवरों के आहार बन गए, और युद्ध भूमि सैनिकों के निरंकार से भरी भरी रह गई,
युद्ध भूमि सैनिकों की निर्गंकार से भर गए, लेकिन युद्ध की इस विभत्स घटना को अंकित नहीं कर सके इतिहास की निर्दयी दृष्टि। इस विभत्स घटना को अंकित नहीं कर सके इतिहास की निर्दयी दृष्टि और इसी भूमि में विजय प्राप्त शासकों का विश्वगान करता रहा बेरहम इतिहास। किंतु युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पीड़ा को समझ नहीं सका इतिहास। किंतु युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पीड़ा को समझ नहीं सका इतिहास। और एक तरफ दंभ करता रहा, इसलिए दुनिया का इतिहास एकमात्र शासकों का इतिहास था। इसलिए दुनिया का इतिहास एकमात्र शासकों का दस्तावेज बनकर रह गया और उनकी प्रामाणिकता को और उन्हीं की प्रामाणिकता को पुष्ट करते रहे इतिहास के पन्ने। लेकिन लेकिन इतिहास में आम आदमी की पीड़ा को लेकर लेकिन इतिहास आम आदमी की पीड़ा को लेकर मौन रहा, उसके विषय में सब नहीं थे इतिहास के पास। लेकिन उनके विषय में शब्द नहीं थे इतिहास के पास। मुझे तो इतिहास की पूर्णता को लेकर संदेह दिखाई पड़ता है। अभी जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे दुनिया में कोरोना महामारी के रूप में भय का वातावरण बना हुआ है। पूरी दुनिया के लोग आशंकित हैं और कोरोना काल में जो हमारे मजदूर इन्हें अपने गांव को पलायन करना पड़ा, उनकी क्या स्थिति, पैदल अपने गांव जाने लगे, कितना संघर्ष करना पड़ा मजदूर भाइयों को इन्हीं घटनाओं को लेकर। मजदूरों की दुर्दशा पर निश्चित है। इसी बीच महाराष्ट्र में घटना हुई थी कि मध्य प्रदेश के कुछ मजदूर गांव जा रहे थे और रात के समय रेल के पटरी पर सो गए, लेकिन उनका दुर्भाग्य रहा कि मालगाड़ी सोए पड़े थे, लेकिन मालगाड़ी में से वो कट गया, गांव नहीं पहुंच पाए। इन्हीं पीड़ा को लेकर मैंने कविता लिखी है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मार्मिक कविता है। मजदूरों की दुर्दशा के कुछ एक रोटियां चपले बोरे में बंधे उनके सामान के साथ साथ उनके अंग प्रत्यंग कटे पड़े हैं। रोटियां चपले बोरे में बंधे उनके सामान के साथ साथ उनके अंग प्रत्यंग कटे पड़े हैं। कहीं पर उनके सिर, कहीं पर उनके हाथ, कटे पड़े हैं। कहीं पर उनके सिर, कहीं पर उनके हाथ, कहीं पर उनके पैर।
बिखरी पड़ी है, उनके रक्त से बिखरे पड़े हैं, उनके रक्त से रेल की पटरियां, रेल की पटरियां भीगी हुई हैं उनके रक्त से। ये मजदूर मजबूर होकर सो गए थे। और निश्चित होकर सपने देख रहे थे गांव पहुंचने का, किंतु उठ नहीं सके, अपने गांव पहुंच नहीं सके, अपने गांव पहुंच नहीं सके। दूसरा दृश्य है, वे अपने पैरों की यूनियन से वे अपने पैरों की उंगलियों से जो फफोले फूट गए थे, उनके पैरों की उंगलियों से जो फफोले फूट गए थे, उसे टपकती रक्त की धारा, उसे टपकती रक्त की धारा से विचलित न होते हुए ये मजदूर मजबूर होकर सैकड़ों किलोमीटर यात्रा पर पहुंच जाना चाहते हैं, पहुंच जाना चाहते हैं अपने गांव, पहुंच जाना चाहते हैं ना। कविता को लेकर मैंने बहुत चिंतन किया, बहुत सोचा और बहुत ही निष्पक्ष होकर कविता कई लोगों के मन सामने, और मैं कविता के प्रति मेरी के मेरी अवधारणा क्या है, मेरी सोच क्या है, मैंने इस कविता में प्रस्तुत किया है जो अभी बिल्कुल नई रचना है और पहली बार इस कविता को आपके सामने रख रहा हूँ। आशा है कि सबका कविता पसंद आएगी, क्योंकि कविता के जितने स्वरूप हमारे सामने हैं, कई लोगों की कविता हमारे सामने है, तो मैंने इसी चीज़ को पाया। तो एक प्रश्न भी है मेरे सामने और तमाम प्रश्नकारों से मेरा प्रश्न है, मैं मानता हूँ कि मेरी कविता पूर्ण नहीं है, अधूरी कविता है, क्योंकि जो मैं लिखना चाहता हूँ, व्यक्त करना चाहता हूँ, उसे मैं नहीं लिख पा रहा, इसलिए कि मेरे मन में मेरे दिलो दिमाग में एक अधूरी कविता का उत्साह से मैं गुजर रहा हूँ। और ये कविता, इसी कविता को मैं आपके सामने रखा हूँ, ये मेरी अंतिम कविता है। एक अधूरी कविता, शीर्षक है एक अधूरी कविता। मेरी कविता पूर्ण नहीं हो सकी, मेरी कविता पूर्ण नहीं हो सकी, रह गई एक अधूरी कविता। इसे अभिव्यक्त करने के लिए शायद मेरे पास उतने समर्थवान शब्द नहीं है। मेरी कविता पूर्ण नहीं हो सकी, रह गई एक अधूरी कविता। इसे व्यक्त करने के लिए शायद मेरे शब्द इतने समर्थवान नहीं थे, भाव मुखरित नहीं कर सके, इसलिए मैं दुनिया भर की वेदना को संवेदना को अन्याय और शोषण को, इस तरह के तमाम संगठनों को अभिव्यक्त कर सके मेरे पास शब्द नहीं थे, मेरे पास शब्द नहीं थे जिससे लिख सकूं एक पूर्ण कविता, मेरे पास शब्द नहीं थे जिससे लिख सकूं एक पूर्ण कविता, किंतु रह गई एक अधूरी कविता, किंतु रह गई एक अधूरी कविता। इसे पूर्ण करने की कामना लिए
इसे पूर्ण करने की कामना लिए इसे पूर्ण करने की कामना लिए अस्वस्थामा सा छटपटाता रहा, चीखता रहा, मोटा भी क्या है? मेरे दिलो दिमाग में उभर आए थे गहरे भाव, मेरे दिलो दिमाग में उभर आए थे गहरे भाव। मैं अपने आप को धिक्कारता रहा, मैं अपने आप को धिक्कारता रहा, यहाँ तक कि मुक्ति बोध की कविता ब्रह्म राक्षस के सदृश एकांत विराम स्थान पर जाकर घन अवसाद के छड़ों में गिर गई। यहाँ तक कि मुक्ति बोध की ब्रह्म राक्षस के सदृश एकांत विराम में स्थान पर जाकर घन अवसाद में के छड़ों में गिर गया। एक अधूरी कविता की पीड़ा को समेटी हुई एक अधूरी कविता की पीड़ा को समेटी हुई कविता जो कभी राजमहलों में कैद थी कविता जो कभी राजमहलों में कैद थी वह लौट आई थी सड़कों पर कविता जो कभी राजमहलों में कैद थी लौट आई थी सड़कों पर किंतु फिर से लौट गई। कविता की स्थिति क्या है देख लीजिए, आप अवलोकन कर सकते हैं कि आज कविता कहाँ पर है और कविता किस तरह से उसका किन किन रूपों में आज कविता है का लिखी जा रही है और पढ़ी जा रही है। लौट आई लौट गई मनोरंजन की दुनिया में मंचों की ओर जो सिर्फ लोगों को हंसा सके गुदगुदा सके तालियों के शोरगुल में खो गई कविता शोरगुल में खो गई कविता विदूषक की भूमिका में रह गई कविता विदूषक की भूमिका में रह गई कविता कविता की तरह कविता की यह दशा देखकर मैं गहन अवसाद में घिर गया कविता की यह दशा देखकर मैं गहन अवसाद में घिर गया अतृप्त आत्मा सा भटकता रहा अधूरी कविता को लेकर अतृप्त आत्मा सा भटकता रहा अधूरी कविता को लेकर अंततः मैं अपने आप को संभालते हुए अंततः मैं अपने आप को संभालते हुए विवश होकर पराजित सैनिक की तरह आत्मसंघर्ष आत्मसमर्पण कर दिया अंततः मैं अपने आप को संभालते हुए विवश होकर पराजित सैनिक की तरह आत्मसमर्पण कर दिया सकारात्मक सोच के साथ। भविष्य में कोई न कोई महाकवि अवश्य आए भविष्य में कोई न कोई महाकवि अवश्य आएगा जो बेहोश पड़ी कविता को संजीवनी दे सके जो बेहोश पड़ी कविता को संजीवनी दे सकेगा उसको स्वाभिमान को फिर से वापस लाएगा। किंतु रह गया मेरे दिलो दिमाग में एक अधूरी कविता का घन अवसाद एक अधूरी कविता का घन अवसाद। जन सरोकार मंच के इस कार्यक्रम में मैं आप देवेंद्र जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मुझे अवसर दिया। मैंने अपनी कुछ वहाँ पर महत्वपूर्ण कविताओं का पाठ किया, निश्चित रूप से मैं जिन्होंने भी मेरी कविता सुनी है तो आप स्वयं आप उनका मूल्यांकन करेंगे और अंत में मैं जन सरोकार मंच टोक के इस आयोजन के प्रति और विशेष रूप से देवेंद्र जी के प्रति आभार करता हूँ जिन्होंने मुझे अवसर दिया और मैं आप लोगों के बीच में अपनी कविताओं का पाठ किया। धन्यवाद।